यमुना पार की सड़क का हाल देखकर विचलित हुए मंत्री, बीजेपी पर फोड़ा खराब सड़कों का ठीकरा, सेवाधाम रोड पर नजर नहीं आ रही कोई सड़क। चादरा के छोटे बाजार में नवरात्रि की दिखी रौनक, माता के श्रृंगार और सजावट की जमकर लोग कर रहे खरीदारी। मंदिरों में भी नवरात्रि की तैयारी तेज, देवी देवताओं को पहनाई गई नई पोशाक। पूर्वी दिल्ली में रामलीला मंचन की तैयारियां पूरी, सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम, ड्रोन और लाइटिंग की मदद से होंगे शो। आनंद विहार से अप्सरा बॉर्डर तक नहीं खुल रहा फ्री स्ट्रेच, अभी भी फ्लाईओवर पर चल रही ट्रायल, शाम के समय जाम से जूझ रहे लोग। सस्ती हज यात्रा का झांसा देकर ठगी, पुलिस ने ठगी करने वाले को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से 5 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 9 डेबिट कार्ड बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव, मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। इन दिनों दिल्ली की सीएम आतिशी और सारे मंत्री सड़कों का जायजा ले रहे हैं। सड़क पर निकलने के बाद उन्हें ये एहसास हो रहा है कि हालत कितनी खराब है। मंगलवार को मंत्री गोपाल राय नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के गोकुलपुरी विधानसभा इलाके में स्थानीय विधायक सुरेंद्र कुमार के साथ सड़कों का जायजा लेने पहुंचे तो खुद ही काफी विचलित हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने सारे कामों को रोक दिया है, इसलिए सड़कों का ये हाल हो गया है। जब गोपाल राय सेवाधाम रोड पर पहुंचे तो नारकीय स्थिति देखने को मिली। सड़कों पर सड़क नाम की तो कोई जगह नहीं ही थी, क्योंकि चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे थे और उनमें कीचड़ भरा हुआ था। आज जनता के लिए पैदल चल पाना तो दूर, वाहनों के लिए भी वहां से निकल पाना आसान नहीं था और वे हिचकोले लेकर चल रहे थे। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ निरीक्षण करके मंत्री गोपाल राय ने इसे जल्द से जल्द गड्ढा मुक्त कराने का निर्देश दिया। शरद नवरात्रि की तैयारियों के साथ शादरा के छोटे बाजार में एक बार फिर रौनक देखने को मिल रही है। नवरात्रि के आगमन को देखते हुए बाजारों में माता की चुंदरी, माता के श्रृंगार और सजावट का सामान बिकने लगा। दुकानदार बताते हैं कि लोगों ने नवरात्रि के लिए खरीदारी शुरू कर दी है और शाम के समय बाजारों में भीड़ काफी बढ़ जाती है। ग्राहक सबसे ज्यादा माता के श्रृंगार का सामान खरीद रहे हैं, वहीं मूर्तियों के ऑर्डर भी पहले से दिए जा रहे हैं, जिन्हें पहले दिन ले जाया जाएगा। पूजा की सामग्री और चुंदरी की भी खूब खरीदारी हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार पिछली बार की तुलना में ज्यादा लोग खरीदारी कर रहे हैं। वही माता के आगमन को लेकर जब हमने पूर्वी दिल्ली के मंदिर के पुजारी से बात की तो दीपक पंडित जी ने बताया कि शारदीय नवरात्रि को देखते हुए मंदिरों में तैयारियां शुरू कर दी गई है, क्योंकि कल अमावस है, इसे देखते हुए आज ही देवी देवताओं को नई पोशाक पहना दी गई है। मंदिर में लाइट लगाई जा रही है और पहले दिन माता की पूजा अर्चना की साथ दिन भर भजन कीर्तन चलेंगे। यशपाल जी महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि पहला व्रत वीरवार को है, इस दिन मंदिरों में काफी भीड़ रहती है और इस दिन माता का श्रृंगार भी पूरा किया जाएगा, मंदिरों को और माता के दरबार को फूलों से सजाया जाएगा। सबसे पहले तो शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मंदिर में आज से जो है लड़ियां लगना, बाहर लाइटें लगना, सब तैयारियां शुरू हैं। पोशाक हमने चेंज कर दी है और 3 अक्टूबर गुरुवार से प्रथम नवरात्रा है, और उस दिन प्रातःकाल मुहूर्त है सुबह 6:15 से लेकर के और 7:30 तक का कलश स्थापना का विशेष मुहूर्त है। उसके बाद 11:15 से शुरू होगा दूसरा मुहूर्त। तो मुहूर्त तो कई बार चलता रहता है, लेकिन प्रातःकाल शुभ बेला में ही और नवरात्र की घट स्थापना का मुहूर्त है, सुबह ही करें और माँ भगवती के व्रत बड़े भाव से करें। अब की बार नवरात्र माँ दुर्गा जी बड़े भाव से आ रही हैं और बड़े सबके लिए सुख शांति का प्रतीक है, बस माता की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। 3 अक्टूबर से नवरात्र आरम्भ हो रहे हैं और इस बार लोगों को बड़ा इंतज़ार है शारदीय नवरात्रों का, क्योंकि नव दुर्गा पूजन का महत्व है इसमें नवरात्रि का, और सभी लोग विधिवत पूजन करते हैं। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, फिर प्रतिदिन नव रूपों की पूजा होती है, पहले दिन खेतरी बीजी जाती है, मतलब कि बहुत ही बड़ा महत्व अपने सनातन धर्म में दुर्गा पूजन का, तो विशेष महत्व है। हाँ, 3 अक्टूबर को सुबह 7:15 से लेकर के 3.5 घंटे का विशेष मुहूर्त है, इसके अंदर अगर आप स्थापना कर लें ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर शाम के समय भी आप 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक
कर सकते हैं। मंदिरों में तो धूम मची हुई है, कई दिन पहले ही लोग जो है तैयारियां शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ मंदिर में भी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं अभी से ही, क्योंकि लोगों को बेसब्री से इंतज़ार होता है नवरात्रों का। आ रहे हैं, खरीदारी भी कर रहे हैं, अब तो चालू हो गई है, आज चालू हो गई, कल से भी चालू हो गई थी, अब खरीदारी चालू हो गई और अभी और बढ़ते चले जाएंगे, अभी आज चालू हो जाएगा। नहीं नहीं, अब तो सब आना चालू कर दिया लोगों ने, अब बढ़ते जाए। सबसे ज़्यादा कपड़े और माता की मूर्ति, लोग बाग सबसे ज़्यादा माता की ड्रेस है, माता की मूर्ति है, चौकी है, माता का पूरा श्रृंगार लोग बाग खरीद के लेके जा रहे हैं। हाँ जी, इनों के यहाँ पे रेट भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमारी यही दुकान है, हम इसी यहीं से लेके जाते हैं। प्राइज बहुत बढ़िया रहते हैं, जायज रहते हैं, कोई ये नहीं रहता। और फिर इनकी ये भी तारीफ है कि कोई भी ग्राहक इनकी दुकान से निराश होकर नहीं जाता। अब हाँ बिल्कुल करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, ड्रेस वगैरह बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राहकों को बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। बिल्कुल कर दिए, दिन ही नहीं बचता, मावस का दिन होता है तो 15 दिन पहले से ही शुरू कर देते हैं, महीना पहले से ही। फिर रश में कोई कर ही नहीं सकता। नहीं 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 नहीं, श्राद्ध में क्या काम नहीं होते, आप खाना भी खाते हो, सब कुछ करते हो ना, तो भगवान के लिए क्यों, भगवान जी की पोशाक वगैरह, उनका श्रृंगार वगैरह सब कुछ, चुन्नियाँ श्रृंगार सब कुछ, बस पूजा का सामान लेते हैं, नारियल वगैरह, सुपारी उपारी जो भी पूजा में चाहिए होता है वो सारा सामान लेके जाते हैं। और हमने तो ड्रेस वगैरह सब चीज़ बनवाई है। नहीं, हम हर बार ही बनवाते हैं, मतलब हर त्यौहार पर ड्रेस यहाँ पर ऑर्डर करते हैं और ड्रेस बनवाते हैं। और हमारे कान्हा जी वगैरह जो भी है वो सब यहीं पर आते हैं मेकअप के लिए। साधरे के बाज़ार में रौनक, आज मंगलवार है तो आज तो कम है, नहीं तो भीड़ काफ़ी है, लेकिन माता रानी के लिए तो अब पूरी भीड़ लगी हुई है। पोशाकें लड्डू गोपाल जी की और माता रानी की, अब बस शुरू हो जाएंगे ना नवरात्रे, बस कल मावस है, परसों से नवरात्रे है, दरबार सजेगा, पोशाक पहनाएंगे माँ को। अभी फेस्टिवल के हिसाब से अभी भी रौनक है आज, क्योंकि ट्यूसडे है ना, अभी आप देखना 4 बजे के बाद यहाँ पर बहुत रश हो जाएगा शॉप पर। हाँ जी, पूर्वी दिल्ली में रामलीला का आयोजन धूमधाम से होता है। रामलीला कमेटी द्वारा रामलीला मंचन की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता मोहित शर्मा ने पूर्वी दिल्ली में होने वाले अलग अलग रामलीला मंचन की तैयारियों का जायजा लिया, जहां श्री बालाजी रामलीला समिति ने बताया कि उनकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। वही इस बार रामलीला में अयोध्या नगरी के साथ साथ जयपुर के हवा महल का भी थीम रखा गया है। वही हनुमंत रामलीला समिति की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इस साल भी उन्होंने कुछ नया करने का प्रयास किया। 1 अक्टूबर को कैलाश खेर और 2 अक्टूबर को माधवास बैंड बुलाया है, जो भगवान श्री कृष्ण भजनों को गाएंगे। बालाजी रामलीला की बात करें तो यहां भी लगभग सभी तैयारियां पूरी हो गई है। समिति ने बताया कि इस बार रामलीला में ड्रोन और लाइटिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही सिक्योरिटी की बात करें तो हमने 2 एंट्री और 2 एग्जिट गेट तैयार करवाए हैं। विवेक बिहार भव्य रामलीला समिति ने बताया कि काफी चेंज कर रहे हैं और इस बार सबसे बड़ी स्टेज तैयार की गई है, साथ ही सिक्योरिटी की व्यवस्था भी पूरी। तैयारी की दृष्टि से श्री बालाजी रामलीला कमेटी की लगभग 90% तैयारी हो गई है और उम्मीद यह है कि आज जो बची खुची तैयारी है वो भी आज पूरी हो जाएगी, क्योंकि कल जो डांडिया महोत्सव, जो कि भारतीय संस्कृति में एक विशेष महत्व रखता है, तो इस दृष्टि से हमारी तैयारी कल पूरी हो जाएगी। और हमारा जो विशेष रूप से जो इस बार रहने वाला है, जो हमारा मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार, जैसा कि उसमें अयोध्या नगरी के साथ साथ जो हवा महल जयपुर के पैटर्न पे, और कल ही जैसे अभी 99% कम्प्लीट हुआ, थोड़ा बहुत रह गया वो आज हो जाएगा, तो उसको देखने के लिए कई सैकड़ों की संख्या में जो है धर्म प्रेमी बंधु आए और उन्होंने यहाँ फोटो लेके गए। देखिए, इस बार बहुत सारी चीज़ें हमारी नई हैं, जैसा कि अभी प्रधान जी ने बताया आपको कि जो हमारा मुख्य द्वार है वो हवा महल की तर्ज पे है। दूसरा, रामलीला मैदान के चारों तरफ जो हमारी लाइटिंग की व्यवस्था है वो इस बार कलकत्ता से लाइटिंग बुलाई गई है और इस प्रकार से लाइटिंग की जा रही है कि जब वहाँ से हमारे भक्तगण निकलेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा जैसे लाइट की गुफा में से निकल रहे हैं, कभी पानी चलता दिखाई देगा, कभी सूर्य की किरणें होंगी। इसी तरह हमारा जो VVIP गेट है वो भी पूरा लाइटिंग की दृष्टि से बनाया जा रहा है। तकरीबन हमारी सभी तैयारियां पूर्ण हैं, जो छोटा मोटा काम है वो चल रहा है। कल श्री बालाजी रामलीला कमेटी में शंकर साहनी, जो विश्व प्रसिद्ध सिंगर हैं, वो आ रहे हैं। डांडिया रास के कार्यक्रम में उनका प्रोग्राम रहेगा, शंकर साहनी जी का, और एक मोहित खन्ना है और एक लेडी सिंगर भी हैं, जो उनको एक रत्न अवार्ड है कोई गायकी में मिलता है वो उनको मिला, मतलब काफ़ी फेमस हैं तीनों सिंगर। जैसा कि इस बारी हमें तैयारियों के लिए टाइम बहुत कम मिला, क्योंकि हमें DDA की ग्राउंड की बुकिंग 10 तारीख से मिली थी और बारिश की वजह से, कुछ अड़चनों की वजह से, जो काम की
काम ने तेजी पकड़ी वो 22-23 तारीख से पकड़ी, लेकिन हमारी टीम वर्क, हमारे कार्यकारिणी के सदस्य, उन्होंने दिन रात इतनी मेहनत करी है कि आप पूरा ग्राउंड देख सकते हैं कि अब स्थिति अंडर कंट्रोल है और हमारा जितना भी ये अरेंजमेंट हुआ है, मैं बधाई देना चाहूँगा अपनी कार्यकारिणी को कि उनकी मेहनत आज सफल हो गई है। देखिए, आपको पता है आज 1 अक्टूबर 2024 को श्री हनुमान धार्मिक रामलीला में पद्मश्री कैलाश खेर जी का कॉन्सर्ट रहेगा, डिवोशनल कॉन्सर्ट। सो अपने आप में कैलाश खेर जी एक बड़े कलाकार हैं और उनको सुनने के लिए दर्शक बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं, तो ये आज के लिए एक स्पेशल अट्रैक्शन तो है ही, यही खास है। कल माधवास बैंड आ रहा है, वो भी एक बड़ा नाम है डिवोशनल में। सो रामलीला की शुरुआत एक इतने बड़े कलाकारों के उद्घोष से होगी, उनकी मधुर वाणी से होगी, यही एक खास है जिसको लेकर सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो श्री हनुमान धार्मिक रामलीला में सबसे, मुझे लगता है कि सबसे अव्वल इंतजाम यहाँ किए गए हैं। हमारे यहाँ पे लगभग 75 लोगों की बाउंसर्स की टीम है अपनी, जो हमारी प्राइवेट जो काम करेगी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस का पूरा तरीके से सहयोग रहेगा। और अभी भी जैसे पीछे से चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि वो कल तक 75 थी और आज वो 90 बाउंसर्स की जो है मेल फीमेल के साथ में हम लोगों ने इंतजाम किए हैं। और इसके अलावा पूरा फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर सब चीज़ों का पूरा पुख्ता इंतजाम है यहाँ पर आज हमारे यहाँ। देखिए, हमने टोटल 4 एंट्री एग्जिट गेट्स बनाए हैं और उसके अलावा हर गेट पे, जैसा कि अभी विनीत जी ने बताया, सिक्योरिटी को लेके पुख्ता इंतजाम है। काफ़ी नंबर ऑफ बाउंसर्स मेल फीमेल दोनों ही सभी गेट्स पे रखे गए हैं। देखिए, बहुत सुंदर झूले की व्यवस्था करी गई है। झूला जिस वेंडर ने हमारे यहाँ झूला लगाया है, कल शाम को उसको कुछ, आज मंगलवार होने की वजह से उसके मन में था कि मैं सोमवार को उसको चालू कर दूँ, तो उसने स्वयं कल शाम को चालू कर दिए हैं। और एक बहुत, मैं आपको नई बात बताने जा रहा हूँ, एक संजोग है आज 1 अक्टूबर 2024, 1 अक्टूबर 2022 को इसी हनुमंत रामला कमेटी के बैनर तले भगवान श्री राम और सीता जी, जिन्होंने रामायण का सीरियल में रोल करा था, अरुण गोविल जी और दीपिका जी ने इसी स्थान पर आए थे, इसी रामला कमेटी के मंच पर आए थे। आज संजोग है, उसी तारीख को पद्मश्री श्री कैलाश खेर जी हमारे मंच पर आ रहे हैं। और मुझे ये समझो कि संभावना या नहीं, उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि बहुत अपार संख्या में, जिस तरह लोगों की डिमांड है, फोन्स आ रहे हैं, पासिस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है बहुत सुंदर तरह से। कल हमारी डांडिया का आयोजन है, बहुत अच्छे तरीके से है। देखिए, ये रामलीला जो है, ये विगत कई वर्षों से बालाजी रामलीला कमेटी आयोजित करती आई है यहाँ पर, और हमने इस बार काफ़ी भव्य आयोजन किया है। इसमें हमने विभिन्न तरह का, जितने राम भक्त श्रद्धालु हमारे यहाँ आ रहे हैं, उन लोगों के लिए हमने खाने का बड़ा अच्छा प्रबंध किया है। हमारे पास 2-2 फूड कोर्ट हैं। उसके अलावा हमने बैठने की उचित व्यवस्था करी है सब लोगों की, और इस तरह से व्यवस्था की गई है कि अलग अलग लेवल की व्यवस्था है बैठने के लिए, ताकि सबसे पीछे वाले बाड़े में बैठने वाले आदमी को भी रामलीला बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे। साउंड का अरेंजमेंट नए तरीका का किया गया है इसमें, हमने इस बार पीछे भी स्पीकर्स लगवाए हैं ताकि जो पीछे जनता बैठती है उन तक भी आवाज़ जो है बिल्कुल क्लियर पहुंचे। उसके अलावा जो VVIP और VVIP गेस्ट आते हैं, उनको बैठने के लिए अलग से प्रबंध किया गया है। तो इस बार काफ़ी भव्य आयोजन है, काफ़ी सुंदर आयोजन है। आप सभी लोगों को आमंत्रण है कि आप लोग आएँ और इस रामलीला के मंचन का आनंद प्राप्त करें। सर, आप तैयारियाँ देख ही सकते हैं, इस बार हमने थोड़ा सा ग्राउंड का अलाइनमेंट चेंज किया है। पहले हमारा स्टेज इधर पीछे ऐसे रोड फेसिंग पे लगता था, इस बार हमने ऐसे स्टेज कर दिया इस तरफ, झूलों की तरफ को। इस बार क्या और कुछ खास? सर, एक तो पूरे ट्रांस यमुना में सबसे बड़ा स्टेज है हमारा, अराउंड 60-70 फीट हाइट है और 130 फीट चौड़ा स्टेज है हमारा। फिर सिटिंग की व्यवस्था जितनी भी आसपास रामलीला होती है सबसे ज़्यादा। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे से लेकर अप्सरा बॉर्डर गाजीपुर रोड तक 5.5 किलोमीटर लंबा सिग्नल फ्री स्ट्रेच बनवाया गया है, लेकिन इसे अभी तक जनता के लिए खोला नहीं गया। हालांकि अभी ट्रायल बस पर सुबह से लेकर शाम तक कुछ समय के लिए फ्लाईओवर को खोला जा रहा है। इसी का जायजा CCN संवाददाता ने मौके पर जाकर लिया, जहां पर फ्लाईओवर को पूरी तरह से जनता के लिए नहीं खोला गया, जिसकी वजह से लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। शाम के समय जाम की समस्या ज्यादा बढ़ जाती है और लोग काफी देर तक जाम में फंसे रहते हैं।
आपको बता दें कि इस फ्लाईओवर के निर्माण की डेडलाइन भी कई बार मिस हो चुकी है। अब इस फ्लाईओवर की सड़क के बीच में आ रहे पेड़ इसके ना खुल पाने का बड़ा कारण बन रहा है। पीडब्ल्यूडी के अफसर ये भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि पुल को पेड़ों के साथ ही खोल दिया जाए या नहीं। सीएम आतिशी ने इस मार्च 2024 में खोलने का ऐलान किया था, लेकिन 7 महीने बीतने के बाद भी स्थिति जस की तस है। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार पर इस वक्त हम मौजूद हैं, आपको ताज़ा तस्वीर दिखाते हैं। इस पुल का जो है निर्माण जो बात करें वो दिल्ली सरकार के माध्यम से होना था, लेकिन एक साइड तो खोल रखी है, दूसरी साइड पर दिल्ली पुलिस के बैरिगेड लगा रखा है, जिस वजह से जो आने जाने जो लोग हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए, यहाँ पर घंटों जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और काफ़ी दिक्कतों का भी सामना यहाँ पर देखने को मिलता है। फिलहाल इस पुल का उद्घाटन अभी तक नहीं हुआ, और अगर दूसरी साइड की बात की जाए तो वहाँ पर अभी भी बैरिकेड लगे हुए हैं, जिस वजह से यहाँ पर जाम अक्सर लगा रहता है। फिलहाल जो है हम मौजूद हैं आनंद विहार की ये फ्लाईओवर पर, इसे ये जो फ्लाईओवर है ये अप्सरा बॉर्डर तो का अप्सरा बॉर्डर को जोड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली की साइबर पुलिस टीम ने सस्ती हज यात्रा का झांसा देकर ठगी करने वाले शातिर आरोपी मोहम्मद इरफान को लखनऊ यूपी से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी कंप्यूटर इंजीनियर है और उसके पास से ठगी में इस्तेमाल किए गए 5 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और 9 डेबिट कार्ड बरामद हुए। DCP जॉय एंड तिर्की ने बताया कि आरोपी की पहचान लखनऊ निवासी 24 वर्षीय मोहम्मद इरफान के रूप में हुई है। DCP ने जानकारी दी कि साइबर पुलिस थाने में शिकायतकर्ता सादिक ने 2.83 लाख रुपए की ठगी शिकायत दर्ज कराई थी। सादिक ने बताया कि उसे दानिश ट्रेवल्स नामक एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल मिली, जो सस्ती हज और उमरा यात्रा के लिए सहायता प्रदान करने का दावा कर रही थी। दिए गए लिंक पर क्लिक करने पर उसे एक अन्य प्रोफाइल पर ले जाया गया, जहां उसे एक मोबाइल नंबर मिला। उस नंबर पर संपर्क करने पर आरोपी ने अपना नाम दानिश बताया और सस्ती यात्रा सहायता की पेशकश की। सादिक ने पहले 48,000 रुपए अग्रिम भुगतान किए और फिर 3 फ्लाइट टिकट, वीजा और सऊदी अरब में 15 दिन ठहरने का वादा मिलने पर शेष 1,92,000 रुपए का भुगतान किया, लेकिन एयरलाइंस से सत्यापन करने पर फ्लाइट टिकट नकली पाए गए। इसके बाद पुलिस ने जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर और विज्ञान लोक इलाके में रोड पर फैले कीचड़ और अवैध कूड़े घरों में स्थानीय जनता परेशान है। रेलवे लाइन की ओर से आने वाली रोड पर कीचड़ भरा हुआ है, जिससे लोगों को आने जाने में कठिनाई होती है। वहीं दूसरी ओर जगह जगह अवैध रूप से कूड़े के ढेर बन गए हैं। खास बात यह है कि दोनों जगहों पर कूड़े के अंबार के पास से ही स्कूल में आने जाने वाले बच्चों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर स्थानीय जनता ने बताया कि पहले यहाँ कभी कूड़ेदान नहीं हुआ करता था, लेकिन अब नया कूड़ा घर बना दिया गया है। लोगों ने बताया कि यहाँ से कई दिनों तक कूड़ा नहीं उठता और कुछ स्थानों पर कूड़ा रोजाना उठने के बाद भी पड़ा रहता है। बदबू और गंदगी से बचने के लिए बच्चों को उस रुमाल और मास्क का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। वहीं शकरपुर में रेलवे लाइन से रोड तक आने के लिए कीचड़ से भरी सड़क पार करनी पड़ती है, जिससे कई लोग फिसल कर चोटिल भी हो जाते हैं। ये बदबू हो रही है, यहाँ बीमारी फैल रही है, इसको या तो कहीं और रखा जाए। यहाँ पे बाहर के रिक्शे वाले आते हैं वो गिरते हैं। रखा गया है क्या यहाँ पहले ऑफिशियली कोई कूड़े खत्ता था यहाँ पर? नहीं, यहाँ कुछ नहीं था। यहाँ पे बैठने वाले ही परेशान हैं सर, निकलने वाले तो चलो निकल के चल जाएंगे, जो बैठने वाले वही परेशान है। तो पब्लिक यहीं खड़ी होती है, सारी परेशान है। जो आदमी चल रहा है वो तो चल ही रहा है। अब जैसे हम लोग जैसे काम नहीं है, अब यहाँ पूरे दिन बैठे हुए हैं तो बदबू तो आ ही रही है, मच्छर तो पैदा हो ही रहे हैं। स्कूल भी है पास में। जब सुबह 7 बजे करीब आते हैं बच्चे, सब स्कूल के सब मास्क लगा के आते हैं। अब यहाँ पर उतार देते हैं बस वाले, कहीं यहाँ उतार देते तो पैदल जाते, सब मास्क लगा के जाते हैं। नहीं कुछ भी नहीं था यहाँ पर, आगे था कूड़ा, जहाँ आप ऑफिस बना दिया गया वहाँ कूड़ा वहाँ हुआ है। असर कहाँ पड़ता है, मास्क लगा के आते हैं, गंदगी तो है ही यहाँ पर। डेंगू तो हो गई, जब गंदगी फैली डेंगू तो आएगा ही। दिल्ली सरकार सड़कों की मरम्मत पर जोर दे रही है। कई जगह नई सड़कें बनाई जा रही हैं तो कहीं गड्ढों पर पैच लगाकर मरम्मत की जा रही है, लेकिन झिलमिल अंडरपास की बात करें तो यहां सड़क की मरम्मत अधूरी ही की गई है। आधी सड़क पर अभी भी सीवर का गंदा पानी बह रहा है। ये सड़क पिछले कई सालों से खराब थी, बरसात और सीवर के पानी की वजह से इसका बड़ा हिस्सा टूट गया था। अब इसे रिपेयर तो किया गया है, लेकिन लगातार पानी के रिसाव को रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई। इससे जल्दी ही सड़क के फिर से खराब होने की आशंका है।
दिल्ली सरकार लगातार दावे कर रही है कि जहां जहां भी सड़कों पे गड्ढे हैं या फिर जो सड़कें जर्जर हैं उनकी मरम्मत की जा रही है, उनको जगह जगह से रिपेयर किया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें मानचौर पार्क किसी की सड़क की, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हालत जो है काफ़ी खस्ता है। एक तरफ के हिस्से को तो सड़क को बना दिया गया है, वह पैच वर्क किया गया क्योंकि सड़क की हालत पिछले काफ़ी समय से काफ़ी ख़राब थी। लेकिन आधी सड़क को आप देखेंगे अभी भी वहाँ पर जो सीवर का पानी है वो लगातार बहता हुआ नज़र आएगा। एक जो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि रास्ता जो है बंद कर दिया गया कि पानी रोड के इस तरफ ना आए, लेकिन जो समस्या है उसको रिपेयर नहीं किया गया। उस समस्या को जज की तस अभी तक ये बनी हुई है, जिसकी वजह से ये जो बनाई गई सड़क है या जो पैच यहाँ पर लगाया गया वो फिर से ख़राब हो सकता है, फिर से ही सड़क की हालत जर्जर हो सकती है और दोबारा से वो समस्या जो है लोगों को देखने को मिल सकती है। क्योंकि जिस तरीके से पानी यहाँ पर सीवर का लगातार बहता हुआ नज़र आ रहा है, उसके बावजूद इस सड़क को जो बनाया गया है, पैच लगाया गया, वो कहीं भी कहीं जो है कारगर साबित नहीं होगा। और जो यहाँ से ट्रैफिक गुजरता है, लगातार आपको दिखाना चाहूँगी जो झिलमिल अंडरपास है वहाँ से लगातार ट्रैफिक यहाँ आता रहता है और ये पानी जो है सीवर का वो लगातार नीचे तक बहता हुआ जा रहा है। लेकिन उसको देखभाल या उसकी जो रोकथाम है वो नहीं की गई है। देख सकते हैं आप कि कितनी तेज़ी से जो है ये सीवर का पानी, गंदा पानी जो सड़कों पर बह रहा है, इसकी वजह से सड़कें जर्जर हो रही है और बार बार जो ये सड़क बनाई जाती है उसके बाद ये सड़क दोबारा से ख़राब हो जाती है और उसके बाद जो हालत है सड़क की इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है, सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं और जो टू व्हीलर हैं या जो रिक्शा चालक है वो अक्सर पलट जाते हैं और उनको चोटें भी लग जाती है। लेकिन अगर सरकार ने इस सड़क को बनाया है, दुरुस्त किया है, तो जो समस्या सीवर की थी उसको भी समाधान करना चाहिए था, जिसकी वजह से इस बनाई हुई सड़क को दोबारा से खराब होने से बचाया जा सके। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, सीसीएन। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार में जेजे क्लस्टर के शौचालय में पानी न आने से जनता को हो रही परेशानी की आवाज सीसीएन के चैनल पर लगातार उठाई जा रही है। इसका असर दिखा और दिल्ली सरकार के विभाग ड्यूसिब ने इस पर कार्रवाई की। अब ड्यूसिब में 10 से ज्यादा नए शौचालय रख दिए गए हैं और जल बोर्ड द्वारा रोजाना पानी का टैंकर भी भेजा जा रहा है। इसी पर जब हमने मौजूदा पार्षद मोनिका पंत से बात की तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जनता लगातार ड्यूसिब के शौचालय को लेकर शिकायत कर रही थी। उन्होंने कहा कि ये काम उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, फिर भी उन्होंने मौजूदा विधायक के साथ मिलकर इस काम को पूरा करने का प्रयास किया। मोनिका पंत ने बताया कि ड्यूसिब के शौचालय में बोरिंग खराब होने के कारण पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। अब जल बोर्ड द्वारा रोजाना एक टैंकर भेजा जा रहा है और अब ड्यूसिब के 10 से ज्यादा नए शौचालय रख दिए गए हैं। आगे उन्होंने दिल्ली सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हर घर जल पहुंचाने का दावा करने वाली दिल्ली सरकार शौचालय में ही पानी नहीं पहुंचा पा रही है। हमारे जेजे क्लस्टर के मैक्सिमम लोग उसके बाहर जो ड्यूसिब का टॉयलेट है वो इस्तेमाल कर रहे थे, पर अचानक बोरिंग खराब हो जाने के कारण उसमें पानी की असुविधा होने लग गई और समय के संग टॉयलेट भी पुराना हो गया था और काफ़ी मरम्मत मांग रहा था। लोगों की समस्या के जब हम लोग अवगत हुए तो विधायक जी से भी बात हुई और उन्होंने तुरंत लोगों की समस्या को दूर करने के लिए ड्यूसिब के ये टेम्परेरी प्लास्टिक टॉयलेट नए वाले मंगवाए, क्योंकि पीछे भी लगे हुए हैं पर वो पुराने ख़राब हो गए थे, इसलिए ये नए टॉयलेट्स आए हैं। साथ ही साथ ये जो पानी की समस्या है इसको भी दूर किया जाएगा। हमारा हर संभव प्रयास रहता है, क्योंकि मेरा तो दिल्ली में हर हफ्ते लगभग जाना होता है और लोगों की जो भी समस्याएँ होती हैं आगे पहुँचाते हैं, जहाँ पर भी उचित माध्यम है वहाँ से पूरी हो ठीक। पर जो अभी समस्याएं कुछ रह भी गई हैं उनको भी धीरे धीरे प्रयास है ठीक किया जाएगा। और साथ ही विधायक जी ने ये जो ड्यूसिब का टॉयलेट है इसको ठीक करने के लिए भी आगे आदेश दिए। मेट्रो स्टेशन पर हर रोज हजारों लोग सफर करने आते हैं, इसलिए इन स्टेशन के अंदर और बाहर दोनों ही जगह पूरी सुविधा और सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि केवल मेट्रो स्टेशन के अंदर ही सभी सुविधाएं और व्यवस्था दुरुस्त नजर आती है, लेकिन बाहर क्या स्थिति है इसकी सुध कोई नहीं लेता। बात करें अगर मानसरोवर पार्क पर बने मेट्रो स्टेशन की, जिसके बाहर काफी अंधेरा रहता है और दिन के समय में भी यहाँ काफी अंधेरा नजर आता है। ऐसे में लाइट्स ना होने से रात के समय में और ज्यादा अंधेरा नजर आता है, जिसकी आड़ में कई बार स्नैचिंग और झपटमारी की वारदात होती है। इसी को लेकर यहाँ आने वाले लोगों ने बताया कि यहाँ अक्सर अंधेरा रहता है, जिससे अंधेरे की आड़ में वारदात होती है और यहाँ ना कोई पुलिसकर्मी मौजूद रहता है, ई रिक्शा वालों का जमावड़ा रहता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। वही यात्री कहते हैं कि पुलिसकर्मी ना होना लेकिन लाइट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जी नशेड़ी मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन के आसपास में यहाँ नशेड़ी खड़े होते हैं और मोबाइल छीना झपटी करते हैं। यहाँ अंडरपास की लाइटें नहीं जलती हैं, रात के टाइम इसमें जो है छीना झपटी का काम हो जाता है, यही सब परेशानी है। यहाँ पे कभी तो लाइट जल जाए
10 दिन महीने में जलती है, 20 दिन बुझी ही रहती है। यहाँ अंडर पास में जो लाइट है वो तो खैर बिजली विभाग की ही लाइट होगी, परमानेंट नहीं जलती है जी। कह तो रहा हूँ भी महीने में 20 दिन बुझी ही रहती है, 10 ही दिन जलती है। लाइटें तो होनी चाहिए, यहाँ पे वारदात होती रहती है, लोग फ़ोन वगैरह छीन लेते हैं, बीच में रोक के जो पैसे ऐसे हैं जो बेचारे गरीब आदमी हैं जैसे आ रहे हैं शरीफ है जो उनके मोबाइल वगैरह छीन लेते हैं और पैसे वैसे छीन लेते हैं। और क्या नाम है, बहुत कुछ है जैसे ये रिक्शा वाले बहुत ज़्यादा भीड़ खड़ी होती है यहाँ पे, दिन में भी हाँ कभी कभार जैसे भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है जब, तो सुविधा होनी चाहिए, हर चीज़ की लाइटें होनी चाहिए, एकदम पुलिस वाले भी बैठे रहने चाहिए यहाँ पे। पुलिस वाले तो आते हैं वो पल्ली तरफ बैठते थोड़ा सा कभी कभी, हाँ वो सामने पे उधर पीछे से बिल्कुल लास्ट में जाकर बैठते हैं, इधर की तरफ तो कोई नहीं। मेट्रो स्टेशन के फ्लाईओवर के नीचे लाइट ही नहीं जलती, चोरी चकेती का चैन वैन छीनने का चांस है पूरा, बैटरी रिक्शे वालों ने तो गंद डाला हुआ पूरा, लाइटें वगैरह लगनी चाहिए, थोड़ी सेफ्टी वगैरह होनी चाहिए। पूरे देश में आज बुजुर्ग डे मनाया गया, इसी मौके पर डॉक्टर ने बुजुर्गों को अपने स्वास्थ्य की विशेष देखभाल रखने की सलाह दी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बुजुर्गों अपने स्वास्थ्य का समय पर ध्यान नहीं देते जो कि बाद में उन्हें बड़ी बीमारी के रूप में सामने आती है। वैसे आज के दौर में बुजुर्गों के लिए जो सम्मान कम होता जा रहा है वो एक चिंता का विषय जरूर है। कई बच्चे विदेश में रहते हैं और उनके बूढ़े माँ बाप अकेले रहते हैं, वो भी सही नहीं है। बूढ़े माँ बाप के पास किसी न किसी को रहना चाहिए ताकि वे भी अपने जीवन को हंसी खुशी बिता सके। विश्व वृद्ध दिवस हर वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस वर्ष का जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नारा दिया हुई है वृद्धावस्था गरिमा के साथ जी। तो जहाँ तक हम लोगों का सब प्रश्न है, मैं तो पिछले करीब 30 वर्षों से जेरेटिक प्रैक्टिस और वृद्ध लोगों के लिए हम लोग हर साल कैंप भी लगाते हैं, हर साल ये कार्यक्रम भी करते हैं और भारत सरकार से मुझे वयोश्रेष्ठ सम्मान और दिल्ली सरकार से वरिष्ठ सम्मान पिछले वर्ष मिल चुका है। हमारे देश में वृद्धों की संख्या लगभग 12% हर साल बढ़ रही है और सारी दुनिया में लगभग 2050 तक 2.4 बिलियन, इतने मतलब बड़ी संख्या ज़्यादा हो जाएगी और हमारे देश में भी जिस हिसाब से अनुपात से संख्या बढ़ रही है, नए जो लोग शादीशुदा हैं वो बच्चे कम हो रहे हैं। पुराने ज़मानों में जब हम बच्चे थे तो हमारे 4 या 5 भाई होते थे, अब हर परिवार में 1 या 2 बच्चा पैदा हो रहा है। 2050 तक हमारे देश में बुज़ुर्गों की संख्या युवा लोगों की संख्या से अधिक हो जाएगी। सारे बुज़ुर्गों को मैं नमन करता हूँ। करीब वर्ल्ड में 2020 की स्टैटिस्टिक्स है कि 100 करोड़ से ऊपर 60 साल से ऊपर उम्र के लोग हैं, तो ये डेफिनेशन ही मुझे तो लगता है बदल देनी चाहिए। अब तो 70 साल के ऊपर वाले लोगों को बुज़ुर्ग मानना चाहिए क्योंकि हमारी हेल्दी एजिंग बढ़ रही है, मेडिकल साइंस इतना बढ़ गई है तो ओल्ड एज में भी स्वस्थ हो रहे हैं लोग। और अब ओल्ड एज को लोग बीमारी नहीं समझते, अब ओल्ड एज एक प्रोसेस है, जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें होने वाली समस्याओं को लोग जान गए हैं। डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, उनके प्रिवेंशन के लिए लोग काम कर रहे हैं। और देश में हमारे में बहुत अच्छी एक बात है कि 46% जनता देश की 3 जनरेशन एक साथ रहती हैं, जबकि विदेशों में इसका उल्ट है, वहाँ तो तमाम तरह के वृद्धाश्रम हैं ये हैं और बच्चा 18 साल का हुआ और इंडिपेंडेंट हुआ तो पता चला उनके साथ ही नहीं रहता। तो ये मैं कहता हूँ कि ये सनातनी संस्कृति, इस देश की भारतीय संस्कृति की एक विशिष्ट बात है कि लोग साथ रह रहे हैं, इसीलिए उनकी जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं और उनके जो फिजिकल इश्यूज हैं वो परिवार देखता है, ये बहुत अच्छी बात है। करता है जी, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, मैं एडमिट हुई थी, मेरी बहुत सेवा करी गई। नहीं बच्चे तो जो हैं वो भी करते हैं, जितना उनसे होता है वो भी तो नौकरी करते हैं। आपकी कितनी उम्र है? मेरी 73 साल की। आज के लिए पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, देखते रहिए CCN लाइव।